एसआरडी टेक्नोलॉजी ग्रुप ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 मार्च को ग्रैंड टेक्नोलॉजी रोड शो 2024 और बिजनेस समिट का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश के 700 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हुए और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, सेवन सिस्टर, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और देश भर से इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। ईआरडी ग्रुप के संस्थापक और सीएमडी संजीव भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल के बाद हमने नवाचार के प्रति अपनी कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से सफलता हासिल की है। हम आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ईआरडी ग्रुप के निर्देशक अर्जुन भारद्वाज ने कहा कि ईआरडी ग्रुप के पास सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के तहत उत्पादों को डिजाइन, विकसित और निर्माण करने की अत्याधुनिक सुविधा है। आइए आपको ईआरडी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में बताते हैं। ईआरडी उच्च गुणवत्ता वाले वायरलेस ईयरफोन, नेक बैंड, वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, AUX केबल, पावर बैंक, कार चार्जर, वॉल चार्जर, OTG केबल, USB केबल, माइक्रो USB केबल, USB-C केबल, लाइटनिंग केबल आदि विशेषीकृत विनिर्माण करता है। मैं संजीव भारद्वाज आज ईआरडी ग्रुप की तरफ से सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हमारा ईआरडी कॉन्क्लेव 2024, ईआरडी टेक्नोलॉजी रोड शो 2024 और साथ ही साथ हमारी 27वें सालगिरह, आज 27 साल ईआरडी ब्रांड को आज इंडिया में हो गए हैं और 27 सालों में जो हमें हर उपभोक्ता ने प्यार दिया, हमारे प्रोडक्ट को सराहा, उसी से हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले गए। तो आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली में, टेक्नोलॉजी रोड शो, जिसके अंदर 28 राज्यों में से लगभग 25 राज्यों के हमारा नेटवर्क बन चुका है। वहाँ के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, व्यापार जग के लोग यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की और हमने उनको टेक्नोलॉजी के बारे में एक एक चीज़ों के बारे में समझाया। और आप बहुत सारे हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको कवर कर सकते हैं और हमारे जितने भी टीम है 75 लोगों की आज ईआरडी की टीम यहाँ पे मौजूद है जो आपको एक एक चीज़ से ब्रीफ करा सकती है कि आपको GST कैसे भरना है, आपको इनकम टैक्स में कैसे काम करना है। तो मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा कि प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक जिम्मा उठाया आत्मनिर्भर भारत का, हमें उसको एक दिन बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है, जिसकी शुरुआत ईआरडी कर चुका है और आने वाले टाइम में समाज इसको देखेगा। तो हम लोग एज ए मोबाइल फोन एक्सेसरी में लीडर की हैसियत से लगभग महीने के 50 लाख प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारे देश के उपभोक्ता हैं वो उसको खुशी खुशी परचेज करते हैं और वो उन प्रोडक्ट को एंजॉय करते हैं, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। जी, आज टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने ईआरडी मोबाइल एक्सेसरी में हमने प्रो सीरीज लॉन्च किया है और CCTV में हम लोगों ने आज PUE स्विचेस और LAN स्विचेस को लॉन्च किया और साथ में HDMI केबल को और साथ ही साथ हम लोगों ने मोबाइल फोन एक्सेसरी में पावर बैंक जो QCPD बू प्रोटोकॉल और साथ ही साथ टर्बो चार्ज की फास्ट स्पीड वाले जितने पावर बैंक थे वो हमने इंडिया में उसकी 100% मैन्युफैक्चरिंग करके उसको लॉन्च किया और जिससे कि लोगों को सब प्रोडक्ट इंडिया में बन सकें और हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत का इतिहास रच सकें। जी, कैसा भविष्य देखते हैं मोबाइल एक्सेसरी में? बहुत बड़ा भविष्य है क्योंकि मोबाइल फोन ने तो लोगों के कैमरे की लाइनें बंद करा दी, मोबाइल फोन ने वॉल क्लॉक बंद करा दी है, मोबाइल फोन ने छोटे टाइम पीस बंद करा दिए, उनसे घड़ियां बंद करा दी। मोबाइल फोन एक रेवोल्यूशनरी आइटम है और हर बंदे की जरूरत है, पूरा डाटा सेंटर है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन एक्सेसरी में तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि 27 साल से लीडर हैं और लीडर तो हमेशा, जैसे हमारे देश के अच्छे लीडर हैं मोदी जी, ऐसे उनके तौर तरीकों के हिसाब से अगर हम काम करें तो देश को एक बड़े स्केल पे पहुंचाया जा सकता है क्योंकि हम देश के सैनिक हैं, ये ड्यूटी हमारी बनती है। चाइना को हम पार्टनर बना रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल में क्योंकि जो एक्सपर्टी चाइना की है हम चाहते हैं कि फिनिश गुड जो है वो भारत में बने क्योंकि चाइना से
फिनिश गुड लाना, इसका मतलब कि हमारे यहाँ के इंजीनियर क्या करेंगे, उनको भी तो आगे कुछ ना कुछ काम करना होगा। ईआरडी ग्रुप में कम से कम 115 बीटेक इंजीनियर है जिनकी मदद से वो इतिहास रच पाता है और अच्छा प्रोडक्ट बना पाता है। और मैं भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी मैन हूँ, तो मैं ये बखूबी समझता हूँ चीज़ों को, क्योंकि क्या चीज़ ऐसी जो भारत में बन नहीं सकती। अगर भारत अंतरिक्ष में जा सकता है तो ईआरडी भी सब कुछ बना सकता है। ये मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा सभी के साथ कि ये अपने आप में एक इतिहास ही होगा हम सबके लिए जो हम इतिहास रच रहे हैं देश में। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अर्जुन भारद्वाज, ईआरडी ग्रुप का डायरेक्टर और जी जी प्लानिंग तो अभी जैसे मैं बताऊं, बिजनेस जब मैं आया तो क्या होता है कि बड़ा बिजनेस को टेक ओवर करना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि एक बारी में जब आप आओ और आपने देखा कि 700 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन सभी को समझना, उनकी एक एक चीज़ को समझना, कहाँ से माल अंदर आ रहा है, कैसे रॉ मटेरियल को संभाला जाता है, फिर कैसे उसको प्रोडक्शन लाइन में लेके जाते हैं, कैसे प्रोडक्शन में लेबर को सिखाना पड़ता है कंपोनेंट लगाना, चीज़ों को अलाइन करना, कैसे सुपरवाइजर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई लेबर गलती ना कर दे, एक पीस कभी प्रोडक्शन में ख़राब ना हो जाए, मतलब उसे कोशिश कम से कम करने की कोशिश होती है। तो वो चीज़ें सीखने में ही एक बहुत लंबा मेरा एक समय लगेगा अभी, और मैं उसी में भी काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ बात करूँ अगर मैं अपने सेल्स और मार्केटिंग के एरिया की, जहाँ पर मैं अपने ईआरडी के जितने भी देश भर में पार्टनर्स हैं उनसे जब मुलाकात करता हूँ तो मैं उनसे उनको भी समझ जाता हूँ कि कहाँ पे कौन सी मार्केट कैसी है। मुझे कोई हमारे व्यापार हिमाचल से भी है, हमारे केरला से भी है, हमारे बंगाल से भी है, हमारे असम से भी है, हमारे गुजरात से भी है, तो उन सबसे मुलाकात करके मैं देश को एक देश की कोने कोने की चीज़ों को समझ जाता हूँ बारीकी से, जो मुझे बहुत ही बहुत यूजफुल लगती है। और प्लानिंग की बात करूँ तो अभी सबसे बड़ा प्लान जो मेरे आने के बाद जो हमारा शुरू हुआ था वो हुआ ही प्रोसीज का था, और ये अभी प्लानिंग अभी चल रही है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो महीने ही दो हैं सिर्फ, अभी तो प्रोडक्ट हमें किसी डबल, अभी जो प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं उसको डबल हमें करना है, तो अभी वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और ईवी सर ने बताया, और फ्यूचर में मेरा प्लानिंग अपने पर्सनली जो है वो एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी का एक वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना है, जैसे मेरे पिताजी ने इंडिया लेवल पर लेकर आए, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर जरूर लेकर जाऊँ।